भावी चौधरी फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू आवर जूनियर्स, प्रिंसिपल मैम, स्टाफ मेंबर्स एंड आवर प्रेसिडेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस फंक्शन फॉर अस। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय गांधीनगर कॉलेज में मैं मौजूद हूं और आपको बता दें कि आज सिक्स सेमेस्टर वालों की फेयरवेल है और काफ़ी खुशी भी होती है और कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि इस कॉलेज को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन कई सारे अपना फ्यूचर प्लान सेट करने के लिए तो आखिरकार एक दिन तो कॉलेज छोड़ के जाना ही पड़ता है, लेकिन ऐसे में फेयरवेल इन्हें दी जाती है। वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने फेयरवेल लेनी है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम उनसे जुड़ेंगे जो फेयरवेल ले रहे हैं क्योंकि इनको जाना है यहाँ से। सबसे पहले आपका नाम? माय नेम इज सुनैना मन्हास। सुनैना, क्या कहना चाहोगे, किस तरह का आपका अब तक यहाँ पर रहा और अब जाना जाने वाले हो यहाँ से? सो इट्स बीन अबाउट 3 ब्यूटीफुल इयर्स, लाइक एंड रियली डिडंट एक्सपेक्टेड द कॉलेज इज गोइंग टू बी दिस इम्पेकेबल। फर्स्टली व्हेन आई वाज आस्क्ड दैट यू आर सपोज टू बी एडमिटेड इन दिस वेरी स्कूल, आई थॉट आई रियली डोंट वांट टू स्टे इन ज़ेनके, आई वांट टू गो आउट, आई लिटरली वांट टू गेट द मोर एक्सपोजर। बट द मोमेंट आई गॉट ओवर हियर आई लिटरली गॉट टू नो दैट स्टिल though despite of being in J&K there are some colleges which do stand out from the rest. And kya future plan kya aapke? I'm a UPSC aspirant, next year I'm going to appear for the UPSC examination. Okay, to kuch aise yaadein jo aap yaad karenge hamesha? Though we really didn't got much of a time over here, but still whatever we got over here, whatever experience we had, it's absolutely immaculate, splendid. The kind of atmosphere that teachers provided us with, especially when you know that corona literally hindered lot many things. Talking about the education or talking about the other experiences that one person has when he's experiencing the atmosphere of a college, like personality grooming and all those things are contemplating it in between. But despite of being online, teachers managed us so well that they literally just aced at it at a professional level. Like despite we were home, but still the way these people covered the syllabus and the way we were taught, it was literally immaculate. अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये बनना चाहते हैं ये जरूर अपने उसमें बने और जल्दी मुलाकात फिर से आपसे होगी। आपका नाम? माय नेम इज निकिता शर्मा। निकिता, क्या कहना चाहोगे, आज फेयरवेल है आपकी, कितना अच्छा आपको लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जूनियर्स ने इतना कोशिश किया हमें स्पेशल फील करवाने के लिए, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो कुछ ऐसी यादें जो आपकी होंगी क्योंकि इतने साल आपने कॉलेज में निकाल दिए हैं, तो कुछ ऐसा जो आप बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, चाहे अपने दोस्तों के साथ करें? ऑब्वियसली आई विल मिस माई फ्रेंड्स, माई टीचर्स एंड कॉलेज। कोई ऐसी हरकत जो बहुत ज़्यादा याद आती हो, क्योंकि शरारत जो है हम लड़कियों के बीच में बचपन से ही रहती है, तो शरारत ज़्यादा हमने वैसे की नहीं, स्कूल टाइम में होती थी, यहाँ पे कॉलेज में ना टाइम मिला ना मौका मिला कुछ शरारत करने का। तो टीचर से कभी डांट वगैरह पड़ी? काफ़ी बार, जैसे अभी कोविड टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप्स बने थे, वहाँ पे हम इररेलेवेंट मैसेजेस मैम बड़ा ज़्यादा डांटते थे कि आपका एकेडमिक ग्रुप है यहाँ पे ये नहीं करना, बट हम फिर स्टिल करते थे। एक बार मैंने क्या किया था, जैसे क्लास लगती है लाइव क्लास, तो उसमें मॉन्स्टर का वो नहीं होता है मास्क वगैरह, तो वो पहन के मैं आ गई थी, तब मैम ने डांटा था कौन है ये, पर उनको पता लगा क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड अपनी सिस्टर के फ़ोन से आई थी। तो मैंने बताया ना आपको कि शरारत हर एक के अंदर होती है और कहीं ना कहीं उसे हम आगे रिवील ज़रूर करते हैं। आपका नाम? माय नेम इज सिमरन वर्मा। सिमरन, क्या कहना चाहोगे, अब कॉलेज से आप जा रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? अभी तो पहले तो फेयरवेल है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जूनियर्स ने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कराया हुआ है, एंड सेकेंडली मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, सीनियर अंडर ऑफिसर, सो उस तरह से हमारा जूनियर सीनियर वाला कंसेप्ट हमेशा से रहा है, तो मस्ती मजाक करना, रगड़ा, तो वो सब बहुत ज़्यादा मैं मिस करने वाली हूँ, बिकॉज मेरे लिए पर्सनली कॉलेज का मतलब था एनसीसी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एनसीसी में ही रहते थे सुबह से लेकर शाम तक एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में। सो लिटरली मैं ऐसी शरारत जो आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी, चाहे जूनियर्स के साथ की हुई चाहे अपने क्लास में? जी, मेरे साथ एक चीज़ हुई थी, हम लोग जब जूनियर्स थे फर्स्ट ईयर में थे, तो हमारे एक सीनियर थे, मैं नाम नहीं लूँगी, उनको एक्चुअली वो हमें क्या होता है कि अगर कुछ गलती हो जाती थी तो हमें बैंड पोजीशन, मतलब बैंड में बैंड मिला था मेरे को, तो देन मैम को कॉल आ गई, तो वो कितने टाइम कॉल पे ही रहे, आफ्टर वन एंड हाफ आवर उन्हें याद आया कि बैंड दिया हुआ था, और मैं वहाँ पे पसीना पसीना होकर नीचे फिर आई, एंड शी वाज लाइक सो सॉरी, वो मेरे पास बैठ गए, वो क्यूट मोमेंट भी था और मैं उस चीज़ को बहुत याद करती हूँ। आगे क्या बनना चाहती हैं? मैं SSB की तैयारी कर रही हूँ, तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो हम ऐसे कुछ और भी जुड़े हैं उनसे बात करते हैं। पल्लवी, क्या कहना चाहोगे, सबसे पहले किस तरह से फील हो रहा है आपको, आज खुशी तो हो रही है क्योंकि इतना अच्छा फेयरवेल जो है आपको दिया गया, लेकिन फिर भी कोई ऐसे एक मोमेंट्स होते हैं जिसे हम बुला नहीं पाते, ऐसे कुछ
हर एक मोमेंट है जो मैं कॉलेज में भुला नहीं पाऊँगी। कॉलेज की लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी गई, फ्रेंड्स इतने अच्छे मिले, मुझे लगा नहीं था कभी कि जिन चेहरे जो मेरे लिए अनजान थे तो आज वो ऐसे हो जाएंगे जिनके बिना दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। फेयरवेल में खुशी भी हो रही है और थोड़ा दुख भी हो रहा है कि आज सब कुछ छोड़ के जाना है। तो फिर भी रहता है, लेकिन ये मोमेंट जो है फिर से नहीं आप रिवाइव कर सकते। हाँ, ये कॉलेज दोबारा लाइफ नहीं आएगी कभी। पहले मैं सोच रही थी डिस्टेंस में एजुकेशन कर लूँ ग्रेजुएशन, बट फिर मेरी मम्मा ने कहा नहीं, कॉलेज लाइफ देख वो बहुत अच्छी है, और वो सही थी, बहुत सुंदर है कॉलेज। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूंगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका नाम? हेलो, आई एम संजना। संजना, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले यही कि कैसी ऐसी यादें जो है आपकी जुड़ी है यहाँ से, उसके छोड़ के जाने का दुख भी है आपको और खुशी भी है, कितनी अच्छी है फेयरवेल है। दुख भी है और खुशी भी है, ऑफकोर्स ग्रेजुएट होने जा रहे हैं तो उस चीज़ की खुशी भी है, मगर कॉलेज छोड़ना भी पड़ेगा। यह है कि कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी, इस चीज़ का बहुत दुख रहेगा और टीचर्स को हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। आगे क्या करना चाहते हो? आगे मैं मे बी, अभी ऑप्शंस बहुत सारे हैं मगर स्टिल यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करनी है, गवर्नमेंट जॉब की। वहाँ पे भी आपने अपने मूवमेंट जो है बनाने हैं। हाँ हाँ, ये मैंने ये सोचा। ऑल द वेरी बेस्ट। हम जो आप सभी जो उम्मीद कर रहे हैं आप उसमें ज़रूर सफल हुए, और जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज की हुई है फेयरवेल उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमारे सीनियर्स को जो हमने इतना अरेंजमेंट किया वो पसंद आएगा भी या नहीं आएगा। आपका नाम? मेरा नाम जॉयलिन कौर है। कर क्या कहना चाहोगे कि कितनी खुशी उन्हें हुई है और कितना दुख आपको भी हो रहा है कि वो कॉलेज छोड़ के जा रही हैं? एक्चुअली हमारे जो सीनियर्स हैं जिनसे मेरी अभी तक क्या बोलते हैं नो हाउ है, वो बहुत अच्छे रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे सीनियर, बहुत ही हेल्पफुल सीनियर्स हैं, तो हमेशा उनसे बात करो तो बहुत मज़ा आता था उनसे बात करने का। नर्वसनेस थी इतनी ज़्यादा अरेंजमेंट करनी, उन्हें पसंद आएगा नहीं आएगा? तो नर्वसनेस तो हर बार होती है, कोई भी इवेंट हो नर्वसनेस तो होती ही होती है, लेकिन जो भी हो गया अच्छे से हो गया। चलो, हम ऐसे कुछ और भी जुड़े हैं इनसे बात करते हैं। आपका नाम? सरबजीत कौर। सरबजीत, क्या कहना चाहोगे आप? अरेंजमेंट आपने इतनी की और क्या कुछ कॉन्सेप्ट था जो अलग आपको लगा कि हर बार फेयरवेल में होता है और मुझे इस बार अलग करना है? हम यही ट्राई कर रहे थे कि हम बहुत डेडिकेशन से अपने सीनियर्स को जो है सरप्राइज़ करें क्योंकि ये टाइम हमारा भी आएगा और हम भी सिक्स सेमेस्टर में जब जाएंगे तो हमें भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, तो हम चाहेंगे कि सब डेडिकेटेड होकर और बहुत ही हार्डवर्किंग तरीके से अपने सीनियर्स को, क्योंकि सीनियर्स भी बहुत इंस्पायर करते हैं, टीचर्स तो करते ही हैं, हमारे सीनियर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग है और उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी, हर चीज़ में हेल्प की है, और हमने कोशिश की है कि हम अच्छे डांसेस को, न्यू डांसेस जैसे वेस्टर्न डांसेस को हमने इंक्लूड किया है, ग्रुप सॉन्ग्स को हमने इंक्लूड किया है ताकि वो उनको अच्छा लगे और हम होप करेंगे आपको भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना अच्छा हो चुका है। आप क्या कहना चाहोगे? आपका पहले नाम सबसे पहले? मेरा नाम वंशिका ठाकुर है। वंशिका ठाकुर, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से अभी आप फेयरवेल दे रहे हो, अगले साल या कुछ सालों के बाद आपका भी ये मोमेंट आएगा, तो क्या लगता है ऐसा कौन सा मोमेंट जो आप चाहते हैं कि बने मेरा और मैं वो यादें यहाँ से लेकर जाऊँ? जैसे कि हमारे सीनियर्स ऑब्वियसली बहुत सपोर्टिंग रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमने ये इवेंट उनके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, इवन इस इवेंट में भी उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमें आइडियाज़ दिए हैं, इवन मतलब कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन वो हमें फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, वही चीज़ उनको मतलब वो करती है, और हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी वो चीज़ें हों जैसे वो उनके लिए हो रही हैं, और ये बहुत मतलब ये एक ऐसा मोमेंट है जो हर कोई याद करता है क्योंकि उनका लास्ट डे है यहाँ पे और लास्ट इवेंट है आप कह सकते हैं उनके टीचर्स के लिए, और वो सब फीलिंग अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम भी अपने परफॉर्मेंसेस से या कुछ ये बोल के उनको बता रहे हैं, तो ये बहुत चलो काफ़ी खुशी भी है और कहीं ना कहीं आंखें नम भी है कि अब उस ये जो सफ़र था कॉलेज पूरे दिन आने का और मस्ती करने का, तो वो कहीं ना कहीं अब यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहाँ पे उनका वो सफ़र शुरू होगा। आपका नाम? इशिता जौली। इशिता, क्या कहना चाहेंगे आप? कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे और कहीं ना कहीं यादें जो उनके साथ आपकी थी उसमें भी आपको दुख हो रहा होगा? हाँ, दुख तो काफ़ी है उनसे बिछड़ने का, अब वो 3 साल हमारे साथ रहे हैं तो काफ़ी दुख है उनके जाने का, बट कहीं ना कहीं खुशी भी है कि आज हम उन्हें इतना अच्छा एक्सप्रेस करके दिखा रहे हैं अपनी फीलिंग्स उनके लिए जो भी हैं, तो बस हमें काफ़ी मज़ा भी आ रहा है बट काफ़ी दुख भी है उनसे बिछड़ने का। चलो, तो कुछ हमारे साथ ये स्टूडेंट जुड़े थे जो फेयरवेल दे रहे थे और जिनकी फेयरवेल जिनके लिए रखी गई थी उनसे भी हमने बातचीत की तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और भी कुछ हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विभूति भट्ट है। आप अपना क्या एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हम उनको देखते थे काम करते हुए, कैसे अरेंज करते थे हर एक चीज़, तो हमने उनसे ही सीखा है तभी हम आज ये सब कर पाए हैं, वरना हमें प्रॉपरली नहीं पता होता था कि कैसे किस चीज़ को परफेक्टली अरेंज करना है, कैसे नहीं करना है, तो बस ये उन्होंने ही सिखाया और वही हम सीख रहे हैं, तो उनको भी हम इसलिए आज फेयरवेल दे पा रहे हैं अच्छे से,
तो अब वो जाएंगे और उनकी जो यादें और उन्होंने जो हमें सिखाया है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू। तो नम आँखों में खुशी भी है और जितनी भी यादें थे वो सारी यादें जो है समेट कर ले जा रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जाएंगे, कुछ का अपना अपना प्लान जो उन्होंने सेट किया। हम ये उम्मीद करते हैं, हमारी ये शुभकामनाएं उनके साथ है, जो भी वो चाहते हैं अपनी फील्ड में आगे बढ़े और अच्छे से आगे चले। अगले मिलेगा फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहेंगे बाइट्स विद जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ, मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जमा।